खुआ में पाटीदार धर्मशाला में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति के द्वारा सामाजिक सद्भाव बैठक रखी गई। इस बैठक में हर वर्ग हर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के अंतर्गत श्री राम मंदिर निर्माण के सहयोग निधि व नगर नगर ग्राम ग्राम फालियां फालियां तक राममय आवरण बनाने के लिए सत्संग प्रभात फेरी भजन कीर्तन आदि करने का निर्णय लिया गया। बैठक में माननीय जिला संघ चालक भगवान जी सेपटा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के जिला संयोजक सुरेन्द्र जी मंडलोई व श्री महंत तंवर जी महाराज और खंड सह संयोजक रमेश जी राठौर ठीकरी आदि उपस्थित थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सभी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको ध्यान में आना चाहिए कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है उस मंदिर में हमारी भूमिका किस प्रकार की है। उस जागरण के लिए समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए और भव्य राम मंदिर में सबकी भूमिका पूरी सक्रियता के साथ में रहे, इस उद्देश्य के लिए ये बैठक रखी गई। क्या किसी प्रकार सहयोग निधि या धर्म जागरण के लिए भजन संध्या या किसी प्रकार और कोई योजनाएं बनाई गई है ऐसे कुछ? समाज के लोग जो है अपने अपने गांवों में प्रभात फेरी निकाले, मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें और गांव में एक स्वच्छ वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए। राम जी का जिस प्रकार जीवन था, जो राम राज्य की कल्पना की थी, उसी अनुसार हमारा गांव जो है वो उसी गांव भी उसी दिशा में चले